देश में आम चुनाव को महज 7 महीने बचे हैं और हर पार्टी अपने किले को मजबूत करने की कोशिश में है, मगर आम आदमी पार्टी का किला ढहने के कगार पर। ऑल इज वेल का वास्ता देने वाली आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सेनापति अब पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी के नेता गोपाल राय को कटप्पा बताने वाले कुमार विश्वास हो या दूसरे संस्थापक सदस्य, वो पार्टी का दामन बहुत पहले छोड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार से आप नेता बने आशुतोष के बाद अब पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आशीष खेतान ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। खेतान के करीबियों का कहना है कि खेतान कानून की हायर एजुकेशन के लिए देश के बाहर जाना चाहते हैं और इसी कारण वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खेतान के इस्तीफे के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है नई दिल्ली लोकसभा सीट से उनकी दावेदारी को लेकर आप हाईकमान की ना नुकुर। पार्टी इस बार खेतान की बजाय पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल मेहरा को उतारने के मूड में है। खेतान के इस्तीफे को दबाव की राजनीति का हिस्सा भी कहा जा रहा है। गौरतलब है कि 2014 के आम चुनाव में नई दिल्ली लोकसभा सीट से आशीष खेतान भाजपा की मीनाक्षी लेखी से हार गए थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके दोनों सीनियर नेताओं आशुतोष और आशीष खेतान ने 15 अगस्त यानी आजादी के दिन को ही आपसे अपनी आजादी का दिन चुना। हालांकि पार्टी के फैसलों को लेकर इनका मतभेद इससे बहुत पहले से चल रहा था। खिंचाव राज्यसभा चुनाव के समय से ही शुरू हो गया था जब पार्टी ने संजय सिंह के अलावा एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता के नाम तय किए। हालांकि पार्टी से आशुतोष की आजादी के फैसले को पार्टी ने इस जन्म में नकार दिया है और खेतान पर भी इस जन्म में साथ रहने की गुजारिश हो सकती है। मगर इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये उभर कर आ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी में गर सब कुछ ठीक ठाक है तो इस्तीफों का दौर क्यों? सूत्र कहते हैं कि लिस्ट लंबी है। केजरीवाल साहब जरा सोचिए। एनडीआई पॉकेट टीवी के लिए नीरज वर्मा की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।